हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में बीते दिनों हुई दोनों लूट की घटनाओं के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, मोहित हरिद्वार में लूट की वारदातों को अंजाम देता था। कनखल में दिन दहाड़े किराना कारोबारी से लूट करने के बाद उसने पुलिस को चुनौती दी थी। एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने इस संबंध में निर्देश जारी कर आरोपी को सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। आज जिया पोता के पास में चौकी इंचार्ज हमारे चेकिंग कर रहे थे, इसी संबंध में उसको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो मुंह में साफा बांध के तेज गति से जा रहा है। चेकिंग के दौरान उसे रोकने की कोशिश की गई, पर उसके द्वारा मोटरसाइकिल तेजी से भगा दी गई। जो हमारे बैरियर्स थे उनको भी क्षतिग्रस्त करते हुए वो तेजी से भागने लगा। इसी बीच हमारे जो फोर्स है उसके द्वारा सेट में चौकी इंचार्ज द्वारा बताया गया और खुद भी इसका पीछा किया गया। ये सिद्धेश्वरी मंदिर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था और जब इसका पीछे लगातार पड़े, लगातार कॉम्बिंग के जो हमारे इंस्ट्रक्शन भी प्राप्त हुए सिटी से, सिद्धेश्वरी मंदिर के पास में इसकी बाइक बरसात के कारण फिसल गई थी। इसको इसके बाद ये वहां से भागने की इसने कोशिश करी और जब पुलिस के द्वारा से पकड़ने की कोशिश करी तो इसके द्वारा फायर किया गया। तत्काल पुलिस ने जवाबी फायर करते हुए इसको उस फायर से ये घायल हुआ, जिसको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया है, जीडी हॉस्पिटल। और इसके द्वारा जो अभी इससे पूछताछ की गई है, जो इनिशियली पूछताछ की गई है, तो हमारी दो लूट जो कनखल क्षेत्र में हुई थी सराफा व्यापारी के साथ, तो दोनों ही लूट इसके द्वारा की गई थी अपने साथियों के साथ, और उसके कुछ साथियों के नाम अभी हमें प्राप्त हुए हैं। जल्दी इसमें अन्य जो है खुलासा किया जाएगा। सर, आरोपी का देखिए अभी तो खैर बहुत इनिशियली है अभी, क्योंकि कल तक ही इसके संबंध में और हम अपडेट दिखाएंगे।